तो हमारी नेक्स्ट केस स्टडी जो कहती है, जय वो चालू है ना। Do you think this is your time? तो हमारी नेक्स्ट केस स्टडी जो है वो ये बोल रही है कि हमने फ्री सैंपल ऑफ शैम्पूज जो है वो दिए हैं फेस क्रीम के साथ। तो इन्होंने पूछा है ये किस तरह का प्रमोशन है एक्चुअल में। तो देखो सिंपल है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट दिया जा रहा है, तो इस केस में इसको प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का नाम देंगे। तो दिमाग में बिठा लो, जब एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट दिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। सेकंड देखते हैं क्या है। अप टू 50% ऑफ ऑन मोस्ट ऑफ द आइटम्स। ऑब्वियसली अगर 50% ऑफ चल रहा है तो वो तो सीधे सीधे क्या होगा? डिस्काउंट होगा। किसी पे भी लिखा हो 50% ऑफ, 40% प्लस, 30% ऑफ, 30% प्लस, 90% प्लस, 80% ऑफ, क्या कहलाएगा वो? डिस्काउंट। नेक्स्ट क्या है? टूथब्रश फ्री विथ टूथपेस्ट। क्या हुआ यहाँ पे भी? ब्रश के साथ, ब्रश फ्री है पेस्ट के साथ। इट इज लाइक अ प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन ओनली, दो प्रोडक्ट साथ में बेचे जा रहे हैं। तो दिमाग में बिठा लो, क्या बाबा जी इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा? जी हाँ, मोस्ट ऑफ द केस स्टडीज जो हम आज मार्केटिंग की डिस्कस कर रहे हैं, आई प्रोमिस इनमें से ही या इनके आसपास की ही केस स्टडीज आएंगी। तो अगर आपकी ये वाली केस स्टडीज तैयार हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बाय 3 pack of 1 liter juice, ये कह रही है हमारी नेक्स्ट केस स्टडी कि 3 pack of 1 liter juice लेते हैं तो आपको एक एडिशनल फ्री मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो तो सेम ही है। आपको 3 liter के साथ एक एडिशनल फ्री मिल रहा है, तो यहाँ पे क्वांटिटी आपको ज्यादा दी जा रही है। मतलब ये जो डील है ये आपके लिए कहलाएगी क्वांटिटी डील। चलिए इसी के अंदर फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। स्क्रैच द कार्ड एंड डायल अ नंबर टू विन द कार। ये तो सिंपल है बहुत कि स्क्रैच कार्ड काइंड ऑफ डील है, तो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। स्क्रैच कार्ड अगर आप लिखना चाहोगे तो इसमें लिख दोगे प्रमोशनल टेक्निक के अंदर। ये स्क्रैच कार्ड वाली जो डील्स हैं ये उसका पार्ट है। चलिए ये वाली केस स्टडी फिनिश हुई, आइए देखते हैं हमारी नेक्स्ट केस स्टडी क्या कह रही है। देखो मार्केटिंग के जो केस स्टडीज होती है वो थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स भी होती है। मतलब अगर आप टिपिकली चैप्टर के थ्रू सोच के देखो तो पूरी चीज़ें तो कोई भी कवर अप नहीं कर सकता है, क्योंकि केस स्टडीज जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। मतलब वो ये देखना चाहती हैं हाउ मच यू आर वेल अवेयर अबाउट द मार्केटिंग। जैसे कि ये केस स्टडी है, ये केस स्टडी को रखने का सेंस यही था कि उन्होंने बोला कि एक टी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो बेसिकली जब अपने टी बेचती है मार्केट में तो उसके साथ वो जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह की यूज़ करती है कि वो आगे भी फर्दर आपके यूज़ में आ सके। जैसे जनरली होता भी है वो प्लास्टिक बॉक्सेस वगैरह निकलते जो हैं। तो इन्होंने पूछा कि किस तरह का एक्चुअल में प्रमोशन हुआ या कौन सी वैल्यू इससे अफेक्ट हुई। तो ये हुआ कि हम यहाँ पे पैकेज्ड गिफ्ट प्रोवाइड करा रहे हैं अलॉन्ग विद द टी। तो आपको ये समझना होगा कि आप भी थोड़ा माइंडसेट ओपन रखें और ये देखें कि साथ में वो किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट करें, यानी केस स्टडीज़ को मैनिपुलेट करें। तो अगर आप चाहते हो उसको लिखना पैकेज्ड गिफ्ट तो आप उसको पैकेज्ड गिफ्ट भी लिख सकते हो। आपके माइंड में कोई अलग से थॉट आ रहा है कि अच्छा टी के साथ एक और कोई चीज़ दी जा रही है जो कि और यूज़ हो सकती है, तो आप उसे बोल सकते हो एडिशनल गिफ्ट बोल सकते हो, या एडिशनल प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी आंसर उतना ही सही माना जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट केस स्टडी पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो एक कंपनी जो है वो अपनी मार्केटिंग करने के लिए या अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए बाय वन गेट वन फ्री सैंपल्स हो गया, इस तरह की टेक्निक्स यूज़ कर रही है मार्केट में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, जिसके कारण जो प्राइजेस हैं उस प्रोडक्ट की वो अननेसेसरीली जो है बढ़ती चली जा रही हैं। तो आपसे पूछा गया है क्या ये प्रॉपर तरीका है। तो एज पर सोसाइटियल कंसेप्ट अगर मैं देखूं तो बेसिकली वो ये भी कहता है जो सोसाइटियल कंसेप्ट है कि आप बिना बात के कंज्यूमर से ज़्यादा पैसा चार्ज ना करें। मतलब यू शुड नॉट ट्रांसफर द बर्डन ऑफ द प्राइजिंग ऑन टू द कंज्यूमर्स। अब बोलोगे यार सर एक्चुअल में ये वाला जो है वो तो सेलिंग कंसेप्ट है क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट डाल देते हैं। हाँ मैं कुछ उसी तरीके से आपसे बात करना चाह रहा हूँ, बट यहाँ पे हम बात करके चलेंगे कि हमें कंज्यूमर वेलफेयर के बारे में सोचना है, और व्हेन इट कम्स टू कंज्यूमर वेलफेयर इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटियल कंसेप्ट। तो हम बोलेंगे नहीं ये चीज़ गलत है। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। तो आपसे पूछा गया कि जो कंपनीज होती हैं वो बहुत सारे प्रमोशनल टेक्निक्स जो होती हैं उनको एक तरीके से यूज़ करती हैं जब हम बात करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने की। तो उन्होंने पूछा कम्युनिकेट करने वाली जो चीज़ें हैं, तो उन्होंने पूछा बेसिकली कि आखिर कंपनी सारी की सारी जो प्रमोशनल एफर्ट्स हैं वो इकट्ठे क्यों लगा देती हैं।
बिकॉज दे बेसिकली वॉन्ट्स के सारा प्रमोशन जो उनका हो वो इफेक्टिव हो. सो दैट इज द रीजन दे यूज ऑल द टूल्स एट द सेम टाइम, बिकॉज दे वॉन्ट के जो उनके एफर्ट्स हैं टोटल वो इकट्ठे प्रमोशन में जाए, जिसके कारण ओवरऑल एडवांटेज उन्हें लम सम में मिले. तो इसी पे कुछ समहाउ बेस्ड उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है. वो हमसे पूछ रहे हैं कि हमें नेम बताना है प्रमोशनल टूल्स के, टेक्निक्स के. तो चलिए देखिए वापस से केस स्टडी के उन्होंने पहली चीज इसके अंदर क्या पूछी है. टू प्रमोट और प्रोटेक्ट कंपनीज इमेज. देखो मैंने इतना पढ़ा और मुझे उसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे बोल दिया गया तो इसका क्लियर मतलब है कि वो सीधे सीधे बात कर रहे हैं किस चीज की. बेसिकली ये कि ऑब्वियसली दे आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक रिलेशन एज फार एज आई नो, बिकॉज वो क्लियर है इस चीज को लेके. तो मैं भी समझ पा रहा हूँ कि दे आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक रिलेशन यहाँ पे, बिकॉज वेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग द इमेज ऑफ द कंपनी इट इज ऑल अबाउट पब्लिक रिलेशन. तो आपने नेक्स्ट केस स्टडी देख ही ली होगी, जैसा मैं भी देख पा रहा हूँ कि वेरियस टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड बाय मार्केटियर्स टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट. ये उन्होंने बोला है, एक स्टेटमेंट दिया है दैट जो मार्केटियर्स होते हैं या मार्केटर्स होते हैं वो बेसिकली बहुत सारे प्रमोशनल टूल्स हैं जो एक्चुअल में यूज करते हैं. तो उन्होंने पहला पूछा व्हाई डू कंपनीज यूज ऑल द टूल्स एट द सेम टाइम. सारी कंपनीज जो हैं सारे टूल्स को एट द सेम टाइम क्यों यूज करती हैं. सीधी बात है, बिकॉज दे वॉन्ट टू एक्चुअली put all their efforts into the promotion and that is the reason they use all the tools at the same time. तो पहले का तो answer बहुत common बोल सकते हैं या बहुत ही average बोल सकते हैं, कुछ ऐसा खास specific नहीं पूछा था. but the second is name and explain the most commonly used non-personal tool of promotion paid for by the marketers. तो paid form of promotion सिर्फ एक जो है commonly बहुत common use किया जाता है और वो मेरे ख्याल से advertising है. तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि second point जब वो बोल रहे हैं तो they are talking about the advertising. it is the most common used tool for the promotion when it comes to the paid form. फिर अगर हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, तो उन्होंने बोला विच टूल ऑफ प्रमोशन विल प्राइमरी बी यूज फॉर द फॉलोइंग. पहला उन्होंने बोला टू प्रमोट और प्रोटेक्ट अ कंपनीज इमेज. सीधे सीधे उन्होंने यहाँ पे हमें हिंट दे दी कि कंपनी अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करना चाह रही है एंड दैट इज ऑल अबाउट द पब्लिक रिलेशन. मुझे आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है कि उन्होंने क्या बोला है, बिकॉज दे हैव क्लियरली सेड टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द कंपनीज इमेज. सेकेंड आते हैं एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मेंट फॉर मास यूसेज बाय लिटरेट पीपल. उन्होंने बोला है कि एक जो पर्टिकुलर उन्होंने प्रोडक्ट लिया है वो मास यूसेज के लिए रखा गया है बाय लिटरेट पीपल. तो एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है मेंट फॉर मास यूसेज है बाय लिटरेट पीपल. वो पूछना चाह रहे हैं कि इसके लिए हम कौन सा टूल यूज करें बेसिकली. तो अगर हम एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मास यूसेज के लिए जो लिटरेट पीपल समझ सकते हैं उनके लिए एडवर्टाइजिंग विल बी द बेस्ट थिंग, बिकॉज बाय एडवर्टाइजिंग दे कैन गेट टू नो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्रोडक्ट. फिर आगे आते हैं टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल थ्रू डोर टू डोर विजिट. पर्सनल सेलिंग भाई, सीधे सीधे पर्सनल सेलिंग बोल रहे हैं. डोर टू डोर बोल दिया, पर्सनल सेलिंग ही तो होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन जहाँ होता है. चलो लास्ट भी कर लेते हैं. टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ पीपल बाय यूजिंग इंसेंटिव्स. इंसेंटिव्स दे रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो लोगों को, दैट इज अ पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन. ये चीज याद रखना, व्हेन यू आर अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ द पीपल बाय गिविंग देम सर्टेन इंसेंटिव्स लाइक रिबेट हो गया, डिस्काउंट हो गया, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन, हाउ यू प्रमोट योर सेल्स इन द मार्केट. चलिए आइए नेक्स्ट केस स्टडी आपके सामने है, उसे देख लीजिए फिर डिस्कस करते हैं. चलिए तो नेक्स्ट केस स्टडी जो है वो बड़ी सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर उन्होंने कुछ ज्यादा डिटेलिंग दी है. उन्होंने बहुत बेसिकली बोला है कि कुछ बच्चे हैं स्कूल के, उन्हें प्रोजेक्ट वर्क के तौर पे बिजनेस स्टडीज का प्रोजेक्ट मिला है कॉमर्स स्टूडेंट से नॉलेज स्कूल करके. उन्होंने एक रिसाइकलिंग प्लांट है उसको उन्होंने सेटअप करने का सोचा है, जहां पे वेस्ट पेपर जो है वो उनसे नई बुक्स और कॉपीज बनाएंगे. तो और स्कूल में जब उन्होंने प्रिंसिपल को बताया तो शी ऑल्सो एग्रीज फॉर द सेम थिंग एंड जो 50% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट हो रहा है प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि वो उसको बच्चों को देने को तैयार भी है फॉर सच अ गुड कॉज. तो उन्होंने पूछा है स्टेट द प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन with the children have to take. तो product related decisions आखिर जो बच्चे हैं उनको क्या लेना है. तो product related decisions क्या होते हैं, branding, labeling और packaging. तो ये मत देखो कि कितना societal काम कर रहे हैं, यहां पे emphasize क्या है, बताओ product related decision क्या लेंगे.
ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग लेंगे। उसके बाद सजेस्ट एनी टू फैक्टर्स द चिल्ड्रन शुड कैप्ट इन माइंड और कीप इन माइंड व्हाइल चूजिंग द राइट नेम फॉर द एक्सरसाइज बुक एंड रजिस्टर्स। उन्होंने बोला है कि आपको टू फैक्टर्स बताने हैं कि अगर कौन कौन से ऐसे टू फैक्टर्स हैं जो आप अपने माइंड में रख सकते हैं। पहली चीज तो मेरे ख्याल से शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, अगर वो कोई ब्रांडिंग करते हैं तो नाम रखते हैं तो, और साथ साथ में वो जो नाम रखेंगे दैट शुड बी समथिंग यूनिक एंड समथिंग ईजी टू प्रोनाउंस। बहुत सारी चीज़ें हैं ये आप रख सकते हैं क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रांड नेम के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि आप इसके अंदर और क्या क्या रख सकते हैं। फिर उन्होंने आगे बोला है आइडेंटिफाई द टू वैल्यूज, जब नाम रख लिया, नामकरण कर लिया, तो उन्होंने बोला दो वैल्यूज और आप बताइए। एक तो देखिए ये हो गया कि आप हेल्पिंग पुअर पीपल, मतलब यू आर हेल्पिंग द पुअर पीपल, एक वैल्यू ये आइडेंटिफाई होती है। और दूसरा बिकॉज दे आर एक्चुअली रिसाइकलिंग द रजिस्टर्स एंड एवरीथिंग, सो वी कैन से दे आर डूइंग समथिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली और इको फ्रेंडली, मे बी आप उसे जो भी नाम देना चाहें, ये उसका हो सकता है आंसर। चलिए आइए हमारी नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें ये बोला गया कि एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसका नाम है इनोवेटर्स लिमिटेड, उन्होंने जो वाटर प्योरीफायर्स हैं उनकी फील्ड में कुछ आर ओ प्योरीफायर करके है, उसमें उन्होंने कुछ एक इनोवेशन किया है जिससे वाटर का जो वेस्टेज होता है कंपैरेटिवली अब नहीं होगा या कम हो जाएगा। इस फील्ड में काफ़ी कॉम्पिटिटर्स भी हैं, जैसे उन्होंने बताया वर्लपूल, एक्वागार्ड, जीरो बी, कैंट, यूरेका, फोर्ब्स, एलजी एक्सेट्रा। पहला पूछा है विच वैल्यू इज अडॉप्टेड बाय द कंपनी, सो ये वैल्यू क्या है, इट इज सेविंग द नेचर या फिर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट या फिर प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर, जो भी आपको लगता है हाइपोथेटिकली एनवायरमेंट से रिलेटेड आप इसके अंदर लिख सकते हो। फिर सजेस्ट विच फैक्टर शुड इट कीप इन माइंड व्हाइल फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ द प्योरीफायर। फिर उन्होंने आपसे आगे पूछा कि आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो प्योरीफायर के लिए उन्हें दिमाग में रखने जरूरी हैं, तो इसका भी आंसर सिंपल है कि इसके अंदर प्राइसिंग डिसीजन जो रिलेटेड हैं जितने कॉम्पिटिटर्स मार्केट में हैं, या देर आर वेरियस फैक्टर्स दैट आर रिलेटेड टू प्राइस, प्राइसिंग डिसीजन, कॉम्पिटिटर इन द मार्केट, योर टारगेटेड मार्केट, और जितने भी हैं इसके अंदर आप कोई भी चार से पांच पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शुड द कंपनी अडॉप्ट। नाउ द कंपनी इज सेलिंग द वाटर प्योरीफायर एंड इफ दे हैव टू कवर अप a good set of crowd, good set of consumers, they would have to go with the indirect channel of distribution. ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि direct channel of distribution के through possible हो पाए, तो इसलिए इन्हें indirect channel basically follow करना पड़ेगा। Last वो बोल रहे हैं which is the most appropriate sales promotion technique for this? कौन सी sales promotion technique इसमें अच्छी रहेगी आपके हिसाब से? इसमें basically अगर आप चाहें तो रिबेट, डिस्काउंट हो गया, इस तरह की बेसिक कोई भी, देखिए ये इंडिपेंडेंट है, दे आर आस्किंग एनी टू टू थ्री पॉइंट्स अबाउट द सेल्स प्रमोशन। इसमें आप कोई भी सेल्स प्रमोशन टेक्निक लिख देंगे उसके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बस आप उसको जस्टिफाई अच्छे से करें, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए आइए हमारी नेक्स्ट केस स्टडी पे। चलिए तो ये केस स्टडी क्या कहती है, मिस्टर अक्षय एक सेल्स मैनेजर हैं नोवा लिमिटेड के, और कुछ लास्ट फ्यू मंथ से परफॉर्मेंस जो उनके डिपार्टमेंट की है वो एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं पहुंच पा रही है। आगे उन्होंने बोला है इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द जनरल मैनेजर, तो जो जीएम है उस तक बात पहुँच चुकी है। नाउ ही इज actually interested in solving the issues, तो तब उसको जाके पता चला कि उसके जितने भी जो टीम मेंबर्स थे they are lacking training and they don't know exactly what to do, और उसके बाद भी उन्होंने सोचा कि buyers को कुछ incentive देना चाहिए तब जाके बायर्स इंटरेस्टेड होंगे उनका प्रोडक्ट खरीदने में। नाउ दे आर सेइंग टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू दिस टीम मेंबर्स ही सेट अप ट्रेनिंग सेंटर्स, उसने ट्रेनिंग सेंटर्स रखे हैं, अपॉइंटेड अ ट्रेनर फॉर दिस पर्पस, उसके लिए उन्होंने एक हेड ट्रेनर भी रखा ताकि वो ट्रेन कर सके। आगे वो बोलते हैं कि मिस्टर अक्षय लॉन्च द स्कीम फॉर द कस्टमर्स अंडर दिस कूपन, एक दिया जाएगा कूपन दिया जाएगा गिवन डेट एंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द विनर्स, वो कुछ लकी ड्रॉ जैसा होगा, उन्होंने क्लियरली हिंट कर दिया। तो दो चीज़ें यहाँ से निकल के आई, देखो बेटा एक तो ये हुआ कि दे आर अपॉइंटिंग ट्रेनर टू ट्रेन देयर स्टाफ और द टीम मेंबर्स, तो जब एक ट्रेनर रखते हैं टीम मेंबर्स को ट्रेन करने के लिए तो दैट इज टर्म्ड एज अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, तो वो एक चीज हो गई। एंड दैट इज दूसरी चीज आइडेंटिफाई द सेड ट्रेनिंग, तो इट इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम वी कैन से। देन द सेल्स प्रमोशन मेथड विच इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर इज बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग ड्रॉज काइंड ऑफ थिंग टू द कंज्यूमर्स, तो वो क्या कहलाया बेटा, लकी ड्रॉ। चलिए आइए, ये चीज़ ज़्यादा डिटेल नहीं थी, तो नेक्स्ट हम अपनी केस स्टडी पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट केस स्टडी क्या बोल रही है, जो मिस्टर राजीव हैं वो एलसीडी टीवी खरीदना चाहते हैं फैमिली के लिए, जब वो क्या बोलते हैं जागोता इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडल टाउन में गए, आफ्टर कमिंग टू द शॉप ही वो कन्फ्यूज हो गए हैं, राइट द नेम ऑफ द प्रमोशनल टूल विच ही हैड बॉट हिम फ्रॉम द टू द शॉप एंड प्रमोशन टूल नीडेड नाउ, ऑल्सो राइट द फोर पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ऑफ लेटर टूल।
तो जो प्रमोशनल टेक्निक है जो उनको ऑब्वियसली खींच के लाए होंगे कौन से थे, जगोटा इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडल टाउन तक, तो बट ऑब्वियसली वो एडवर्टाइजिंग रहा होगा जो उन्हें वहां तक लेके आया होगा। उसके बाद उन्होंने बोला है, उसके बाद वो क्या करें, देखिए वो वहां पे गए और हमें क्लियरली बोला गया है कि वो वहां पे जाके कंफ्यूज हो गए हैं। नाउ दे नीड समवन जो उन्हें सेटिस्फाई कर सके, एंड यहां पे एडवर्टाइजिंग के बाद जस्ट काम आता है पर्सनल सेलिंग का। अगर उन्हें कोई पर्सनली सेटिस्फाई कर देगा, उन्हें कोई समझा देगा, ही कैन इजिली मैनेज एवरीथिंग, वो ले लेंगे, लेकिन अभी उनका माइंडसेट क्लियर नहीं है। ऑल्सो राइट 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट टू द लेटर टूल। अब आप पर्सनल सेलिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो बताएंगे, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू इंटरेक्ट विथ एन इंडिविजुअल कस्टमर वन टू वन, पर्सन इन पर्सन, सो दैट वो चीज जो उनके माइंड में कंफ्यूजन है उसको खत्म करके उसे एक डील में कन्वर्ट किया जा सके। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि मिस्टर राजीव जो हैं वो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं एबीसी लिमिटेड के, और वो बड़े कन्विंसिंग टाइप के बंदे हैं, वो लोगों को कन्विंस कर लेते हैं बाय वर्ड और बाय एवरीथिंग। मतलब वो जब अगर पर्सन इन पर्सन जब बात करते हैं तो उनके पास वो कन्विंसिंग पावर है जो बहुत आसानी से कन्विंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, नेम द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स अंडर विच द अबव टेक्निक फॉल। ये टेक्निक किस मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट के अंदर आएगी, प्रमोशन मिक्स, क्योंकि वो बंदा प्रमोशन में बहुत एक्सपर्ट है, वो लोगों को इंप्रेस कर देता है। सेकंड, आइडेंटिफाई द एलिमेंट यूज्ड बाय राजीव, ऑब्वियसली ये कौन सा है, सिंपल पर्सनल सेलिंग, क्योंकि वो पर्सनली सेल आउट कर रहे हैं, पर्सनली इंटरेक्शन कर रहे हैं, बोला गया है ना कि वो फेस टू फेस इंटरेक्शन अच्छा करते हैं। और लास्ट उन्होंने बोला, गिव एनी 3 मेरिट्स ऑफ दैट टेक्निक। अब आपको इसके मेरिट्स बताना है जो कि आप इजिली मेरिट्स कोई भी पर्सनल सेलिंग के 3 याद करके इसके अंदर लिख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं हमारी नेक्स्ट केस स्टडी क्या कह रही है। सो नेक्स्ट केस स्टडी में उन्होंने बोला है, वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज कंसर्न विद द डिजाइनिंग द शेप साइज एंड क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे वो बहुत क्लियर है, उन्होंने बोला है कि आपको शेप साइज और क्वालिटी से रिलेटेड गुड्स का डिसीजन लेना है। जब वो ये चीज क्लियरली बोल रहे हैं तो वो आपसे पूछते हैं, नेम द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ये जो डिजाइनिंग शेप साइज क्वालिटी है ये कहाँ पे आता है, प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आता है। दूसरा उन्होंने बोला है, नेम द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दैट एलिमेंट, मतलब प्रोडक्ट मिक्स की हमने पहले बात कर ली है, वो हमसे पूछ रहे हैं कि उस एलिमेंट की हमें और फीचर्स बताइए। तो उस एलिमेंट के फीचर्स के अंदर अगर आप ध्यान दें तो आता है प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आएगा पहला ब्रांडिंग, फिर आएगा लेबलिंग, फिर आएगा पैकेजिंग। तो आपको इस चीज को ध्यान देना स्पेशली जरूरी है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए, व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स दे आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। चलिए आइए नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं। तो नेक्स्ट केस स्टडी में बोला गया कि जो ITC है उन्होंने बिजनेस चालू किया है जो बाइको इंडस्ट्री से, और वो उनके साथ होटल इंडस्ट्री में आए हैं, एंड दे व्हाट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू मेंटेन द क्वालिटी। ITC एश्योर्ड क्वालिटी टू कस्टमर्स एंड केप्ट कंपनीज नेम एट इट्स आइडेंटिटी, मतलब वो नाम के साथ अपनी आइडेंटिटी बनाए रखना चाहते हैं। दिस हेल्प द कंज्यूमर्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड हेंस एंश्योर्ड क्वालिटी, इट ऑल्सो बिल्ड अप देयर कॉन्फिडेंस एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग देयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। उन्होंने जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको भी इंक्रीज किया, क्योंकि ITC ने साफ साफ बोला है, वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, इफ दे आर मेंटेनिंग द क्वालिटी वो कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते हैं। तो पहली चीज बोली गई, नेम द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स रेफर्ड इन द अबव पैराग्राफ। जैसे ही उन्होंने बोला कि मार्केटिंग मिक्स का किसका रेफरेंस दिया जा रहा है एलिमेंट का, तो मुझे लगता है दे आर फोकसिंग अबाउट व्हाट दे आर डिलीवरिंग एंड इट इज अबाउट द प्रोडक्ट मिक्स। सिंपल सा रीजन है, क्योंकि पहले में उन्होंने बोला है कि एंटर्ड इनटू होटल इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स, स्टेशनरी एटसेट्रा, सो दे आर प्रोवाइडिंग दी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इट कम्स अंडर प्रोडक्ट मिक्स। आगे नेम अदर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स हो गया है, तो प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये 3 और हो जाते हैं। नेम द कंसेप्ट विच अश्योर्स क्वालिटी एंड हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटी एंड आइडेंटिफिकेशन बोथ गोज अंडर ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग इज टोटली डिफरेंट थिंग। पैकेजिंग एंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट एंड लेबलिंग इंश्योर्स द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन द प्रोडक्ट। तो यहां पे वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि ब्रांड वैल्यू की बात कर रहे हैं, बिकॉज इट कम्स टू क्वालिटी, इट कम्स टू आइडेंटिफिकेशन, दैट इज अ प्रोडक्ट मिक्स। फाइनली आइडेंटिफाई द वैल्यू। अब यहाँ पे जो वैल्यू है जो आइडेंटिफाई की जा सकती है, वो पहली तो ये है, दे आर इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरी चीज,
कंज्यूमर वेलफेयर भी कहीं ना कहीं इसके अंदर आ सकता है, जो कि सेकंड पॉइंट इसका बनेगा. दे आर थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर और द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, यू कैन से. ऑल्दो दोनों डिफरेंट चीजें हैं, बट दोनों इसके आंसर का पार्ट बन सकती हैं. चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पे बढ़ते हैं. तो हमारी जो नेक्स्ट केस स्टडी है वो ये कह रही है कि अजय वॉज अपॉइंटेड एज अ मार्केटिंग हेड ऑफ अल्फा एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टूथपेस्ट एंड टूथब्रशेस. तो अभी तो उनकी सेल जीरो यूनिट्स अ मंथ है. दे डोंट बॉदर इवन अपार्ट फ्रॉम थिंकिंग अबाउट दी वेरियस चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. वो बहुत सारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोच भी रहे हैं सो दैट टारगेट अचीव हो सके. यहीं पे स्टॉप हो जाना. ही इज थिंकिंग अबाउट द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द टूथपेस्ट एंड टूथब्रश. एज सून एज जहाँ पे टूथपेस्ट और टूथब्रश आ गया, दीज आर कंज्यूमर आइटम्स एंड ही कैन नॉट डायरेक्टली गो एंड सेल टूथपेस्ट एंड टूथब्रश डोर टू डोर. दैट इज नॉट जस्ट पॉसिबल. तो इसलिए यहाँ पे अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे हमें मिलता है तो आपको मालूम है कि हमें आंसर कैसे करना है. व्हेन इट कम्स टू कंज्यूमर गुड्स, व्हेन इट कम्स टू डेली हाउस होल्ड आइटम्स विच आर यूज्ड ऑन अ डेली बेसिस. नाउ उन्होंने जब कोशिश की कि वो बैकवर्ड एरियाज में जाए, विजिट करें और पता करें कि आखिर किस तरह की हैबिट्स हैं लोगों में, तो जब वहाँ पे वो पूछे कुछ स्कूल्स में गया तो उन्हें पता चला कि वो टूथब्रश का यूज़ नहीं करते हैं. वो इवन टूथब्रश करते ही नहीं है बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड. ही इन्वेस्टिगेटेड फाउंड दैट के कहीं पे भी टूथब्रश कहीं पे भी अफोर्ड कोई कर नहीं सकता है. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टूथब्रश को डोनेट करना चालू किया स्कूल्स में. हमसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अजय वुड अडॉप्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूथब्रश एंड टूथपेस्ट, जस्टिफाई बाय गिविंग रीजन. पहली चीज, अजय कैन नॉट गो टू ईच एंड एवरी स्कूल विथ हिज टीम एंड डिस्ट्रीब्यूट टूथपेस्ट एंड टूथब्रश. एट द एंड ऑफ द डे आइदर ही विल हैव टू टेक अ टीम टूगेदर, असेंबल अ टीम टुगेदर, और ही हैज़ टू थिंक समथिंग एल्स जहाँ पे वो किसी रिटेलर्स के थ्रू किन्हीं से कोलैबोरेशन करके उनके थ्रू सेल आउट करे, बिकॉज ही कैन नॉट डू इट ऑल अलोन. एंड दैट इज द रीजन ही विल बी फॉलोइंग द इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. वो अकेला नहीं कर सकता, इसलिए वो दूसरे लोगों की हेल्प लेगा. देन स्टेट एनी टू वैल्यूज विच अजय वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट, हेल्पिंग पुअर पीपल, हाइजीन, देन वर्किंग टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. देर कैन बी मैनी थिंग्स, आप उसमें से कोई भी दो लिख सकते हैं. चलिए आइए नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं. तो उन्होंने बोला कि निशा स्कूल बैग मैन्युफैक्चरर थी, उसने क्या किया, अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को बढ़ाने के लिए जो उनका बैग एग्जिस्टिंग बैग डिजाइन थी उसमें वाटर बॉटल के लिए भी जगह इंक्लूड कर दी. तो उन्होंने आपसे पूछा है कि आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी अडॉप्टेड बाय निशा. निशा ने कौन सी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी यहां अडॉप्ट की है. शी वॉज सेलिंग द बैग्स, नाउ शी वॉन्ट टू इंक्लूड समथिंग इन टू द बैग सो दैट डिजाइन में कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं. शी वॉन्ट्स टू मेक हर प्रोडक्ट बेटर, दैट फॉल्स अंडर प्रोडक्ट कंसेप्ट फिलोसफी. मेरे ख्याल से मैं पहले वाले पॉइंट पे क्लियर हूं कि वो प्रोडक्ट कंसेप्ट है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन, बिकॉज शी इज इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. शी वॉन्ट्स टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स बाय द वे ऑफ क्वालिटी. और याद करो जब मैंने ये वाले चैप्टर का आपको पूरा 48 मिनट्स का लेक्चर दिया है तो मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज पे बहुत अच्छे से फोकस किया है कि प्रोडक्ट कंसेप्ट जो है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बोलता नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं उसका एसेंस जरूर देता है. फिर आते हैं कि इस फिलॉसफी को आपको मेन फोकस और मीन्स एंड एंड्स के हिसाब से समझाना है. तो मेन फोकस है कि प्रोडक्ट शुड बी द टॉप नॉच क्वालिटी, शुड बी द बेस्ट. मीन्स एंड एंड्स ये है दैट इफ योर प्रोडक्ट विल बी द बेस्ट द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम. चलिए आइए नेक्स्ट केस स्टडी पे बढ़ते हैं. अगेन इसी से रिलेटेड सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन में है जो रिपीट हो रहा है, बट हम चाहते हैं कि हर एक चीज कवर करें तो चलिए देख लेते हैं. आयशा मैन्युफैक्चरिंग अगेन लंच बॉक्सेस हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए. मैक्सिमाइज करना चाहती हैं अपना प्रॉफिट टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड एड अ वार्मर फॉर द लंच बॉक्सेस सो दैट उनका जो खाना है बच्चों का वो गर्म रहेगा. ड्यू टू दिस इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट द सेल्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मार्केटिंग फिलोसफी इन्वॉल्व्ड. ऑब्वियसली दिस इज प्रोडक्ट कंसेप्ट बिकॉज शी इज ट्राइंग टू इंप्रूव हर प्रोडक्ट एंड That is the reason that will be a part of product concept. चलिए आइए last की कुछ case studies और बची हुई हैं, एक बार discuss कर लेते हैं. Finally, एक है advertising and personal selling. Both are communication tools used by the marketers to promote their product. Yet they are different in their approaches. Differentiate between the two by giving six differences. So, यहाँ पे तो आपसे outright advertising and personal selling के बीच difference पूछ रहे हैं, but because they are using indirect kind of wordings, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आप advertising और personal selling को use कर रहे हैं तो make them totally different. Any six points याद करिए और याद रखिएगा जब differences लिखते हैं तो उनके basis लिखना ज़रूरी है. चलिए next case study देखते हैं. मानसी अशु मैन्युफैक्चरर फॉर स्कूल स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू मैक्सिमाइज हर प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एट लार्ज स्केल एंड देयरबाय रिड्यूसिंग द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन.
लार्ज स्केल प्रोडक्शन सो दैट दे कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. तो यहाँ पे ध्यान देना, ये प्रोड्यूसर से रिलेटेड है. तो पहली चीज उन्होंने पूछा, आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी, प्रोड्यूस मोर सो दैट द कॉस्ट इज लेस. सो दैट इज द प्रोडक्शन कंसेप्ट, यू हैव टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर एंड मोर. तो पहला तो हो गया प्रोडक्शन कंसेप्ट. आगे मेन फोकस बताएं, मेन फोकस इज टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन सो एज टू रिड्यूस द कॉस्ट. वट इज द एंड? बाय मोर सेल्स इन द मार्केट यू कैन हैव मोर प्रॉफिट्स इन द फर्म. सो बाय मैक्सिमम सेल्स मैक्सिमम प्रॉफिट शुड बी देयर. ये मेन फोकस होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. It is necessary that goods and services must be made available to the consumers at right place in the right quantity at the right time. Name and explain the concerned element of marketing mix. Right time, right place. Place mix सीधे सीधे आंसर है इसका, because they are talking about the time, the duration, the place at where the product.